कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में देश के 42 वीर सीआरपीएफ जवानों ने देश की रक्षा में शहादत दी थी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले इन वीरों में खटीमा के लाल वीर शहीद वीरेन सिंह राणा भी थे, जहां परिवार आज भी अपने लाल को याद करता है। पुलवामा हमले में शहीद हुए थे वीरेंद्र सिंह राणा, सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन में थे तैनात। शहीद की शहादत पर पत्नी को गर्व, सरकार के वादे अभी भी अधूरे। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज भी देश भूल नहीं पाया है। इस आतंकी हमले में भारत ने जहां देश के 42 वीर सीआरपीएफ जवानों को खोया था, तो वहीं इन शहीद जवानों में उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर जिले के खटीमा के रहने वाले शहीद वीरेंद्र सिंह राणा भी थे। इस आतंकी हमले ने शहीद वीरेंद्र के परिवार से बहुत कुछ एक झटके में छीन लिया था। जहां वीरेंद्र की शहादत से परिवार का जवान बेटा उनसे छिन गया, तो वहीं शहीद की 5 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया था। वहीं इस 1 साल में वीरेंद्र के परिवार ने खुद को संभालने की कोशिश की है। शहीद वीरेंद्र की पत्नी रेणु राणा को उत्तराखंड सरकार की तरफ से तहसील खटीमा में नौकरी मिली, जहां एक तरफ जीवन साथी की कमी पत्नी को होती है, तो वहीं पति की शहादत पर गर्व भी। लेकिन इस वीर वीरांगना का दिल तब छलनी उठता है जब मासूम पिता के घर आने का सवाल करते हैं। वहीं वीरेंद्र की शहादत के वक्त सरकार ने कई वादे किए जो आज भी अधूरे हैं। शहीद की पत्नी को आर्थिक सहायता और नौकरी देने का वादा तो पूरा किया, लेकिन देश के लिए शहादत देने के बावजूद भी वीरेंद्र के सम्मान में सरकार कुछ नहीं कर पाई। देश के लिए इतना कुछ करके गए, लेकिन जो उन्होंने सरकार ने कहा था वो पूरा नहीं किया। और रास्ता अपनाने के लिए भी कहा था और गेट लगवाने के लिए कहा था शहीद वीरेंद्र सिंह के नाम से, वो बाद ये भी पूरे नहीं। 6 साल का वक्त हो गया, कुछ मिला नहीं है, ना सड़क मिला, ना मूर्ति मिली, ना घर मिला, कुछ नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ शहीद वीरेंद्र के नाम पर गांव मोहम्मदपुर भुड़िया के राज के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम सरकार ने रख दिया, जहां स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शहीद की शहादत पर गर्व करते हैं। हमारे गांव के वीरेंद्र सिंह राणा जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, उनके नाम पर हमारे स्कूल का नाम शहीद वीरेंद्र सिंह राणा पड़ा। बेटा आपको क्या प्रेरणा मिलती है? हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी सेना में जाएं और आतंकियों का सर्वनाश करें। पुलवामा हमले की पहली बरसी पर उत्तराखंड के लाल वीर शहीद वीरेंद्र सिंह राणा के गांव को जाने वाली जर्जर सड़क आज भी अपने बनने का इंतजार कर रही है। सरकार जहां 1 साल बाद भी शहीद वीरेंद्र के परिवार से किए वायदों को अमली जामा नहीं पहना पाई, तो वहीं शहीद का परिवार जरूर ये सवाल पूछता है कि आखिर क्यों उनके शहीद बेटे के सम्मान में सरकार ने किए गए वायदे आज तक पूरे नहीं किए। खटीमा से दीपक फुलेरा, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।